आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। पुलिस और पब्लिक के बीच के रिश्तों को और मजबूत करने के उद्देश्य से जिले के 17 थानों पर बुधवार को लगाया गया पुलिस चौपाल। गगा थाने पर SSP तो कैंट थाने पर SP सिटी जनता से हुए रूबरू। अन्य थानों पर भी पुलिस के अधिकारियों ने की जनता से संवाद, जानकारी ली, क्षेत्र की समस्या किया समाधान। चोरी के सामान के साथ कोतवाली पुलिस ने दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। 20 कार्टून पॉम रिफाइन ऑयल, घटना में प्रयुक्त मारुति वैन, 9,990 रुपए नगद किया बरामद। कोतवाली थाने पर SP सिटी ने किया खुलासा, भेजा जेल। चोरी के चांदी की एक मुकुट के साथ कोतवाली पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। कोतवाली थाने पर SP सिटी ने किया सनसनीखेज खुलासा, भेजा जेल। SBI के मुख्य महाप्रबंधक ने प्रशासनिक कार्यालय में स्थापित शताक्षी निलय का फीता काटकर किया उद्घाटन। SBI से जनता को मिलने वाली सुविधाओं की दी विस्तृत जानकारी। कहा 18 सितंबर को आयोजित होगा वृहद लोन मेला। चौबीस अगस्त को आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग की परीक्षा की तैयारियों को लेकर प्रभारी ADM सिटी ने किया बैठक। कहा 73 परीक्षा केंद्रों पर सकुशल और सुचितापूर्ण परीक्षा कराने के लिए तैनात रहेंगे स्टैटिक मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट। एक लाख से अधिक धनराशि बैंक या अन्य गंतव्य स्थानों पर ले जाने वाले ले सकते हैं जनपद पुलिस से सहायता। सुरक्षा की दी जाएगी सुविधा। जिला अस्पताल सहित जनपद में 73 केंद्रों पर 9,761 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 7,959 लोग और सेकेंड डोज लेने वालों में 1,802 लोग रहे शामिल। CMO ने कहा, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अवश्य लगवाएं टीका जीत का। जसवाल महिला विकास समिति के तत्वाधान में सम्मान समारोह एवं सावन की फुहार नामक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। अंजू चौधरी को राज्य महिला आयोग का पुनः प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर किया गया सम्मानित। सावन गीतों से सराबोर हुआ माहौल। सड़क के दोनों पटरियों पर अवैध रूप से वाहन खड़ा कर यातायात को बाधित करने वाले वाहनों का यातायात पुलिस ने किया चालान। SP सिटी ने कहा, यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों पर होगी वाहन अधिनियम एक्ट के तहत कार्रवाई। गोरखपुर में बुधवार को मिला एक नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,384। अब तक 848 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके अपनी जान। न हुए एक्टिव मरीज, CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। उन्नीस से 21 अगस्त तक कांग्रेस चलाएगी जय भारत महासंपर्क अभियान। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, किसानों, नौजवानों, सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी एवं शिक्षा मित्रों को करेगी सम्मानित। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर क्षेत्र का वार्षिक चुनाव हुआ संपन्न। निर्विरोध चुने गए क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश राय और कृष्णचंद श्रीवास्तव बने क्षेत्रीय मंत्री। नव निर्वाचित पदाधिकारी ने कहा, कर्मचारी हित में करेंगे काम। बुधवार को दूसरे दिन भी 7 केंद्रों पर 2 पालियों में संपन्न हुई PGT की लिखित परीक्षा। 6800 में से 1400 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। सुचिता के रहे व्यापक प्रबंध। और राप्ती, घाघरा और रोहिन नदी खतरे के निशान से ऊपर। जिले में 21 गांव बाढ़ से आंशिक रूप से प्रभावित। जिला प्रशासन सतर्क, चलाया जा रहा है राहत कार्य।